So this is a live quiz four, and I'm recording video solutions. This is for it happened I think a few weeks back. So and it was for students who are studying in 12th grade and who will be appearing for exam in 2021. So this is the topic was limits and continuity and differentiability. Limits, continuity and differentiability. तो ये पहला क्वेश्चन था क्विज का जहाँ पे हमें लिमिट वर्कआउट करनी है. और लिमिट अगर आप देखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी है तो हम इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं पहले. तो हमने देखा कि यहाँ पे यू नो एज एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी दिस अप्रोच इज़ ज़ीरो राइट एंड दिस अप्रोच इज़ ज़ीरो वन बाई एक्स अप्रोच इज़ ज़ीरो. तो यहाँ पे साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो बट कॉस ज़ीरो इज़ वन. सो इट्स अ लिमिट वेयर बेस इज़ अप्रोचिंग वन एंड पावर इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी. बेस अप्रोचिंग वन पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी. और वो हमने पढ़ा हुआ है कि हम जब भी ऐसे होगा एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है बेस वन को अप्रोच कर रहा है पावर इन्फिनिटी को तो हम पहले स्टेप में इसको लिख लेते हैं ई टू द पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स. क्लास में डिस्कस किया है काफ़ी क्वेश्चन किए हैं इस पर. तो पहले स्टेप में ही हम उसको लिखेंगे ई टू द पावर एफ एक्स माइनस वन जी एक्स. एक काम और कर सकते हैं अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी हम एक्स को वन बाई टी ले सकते हैं. कई बार कुछ लोगों को ईजी पड़ता है ये. तो जैसे ही एक्स को वन बाई टी लिया तो टी वन बाई एक्स हो गया. एक्स इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो टी अप्रोचेज ज़ीरो हो जाएगा. डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है तो टी ज़ीरो हो गया. सो लिमिट टी अप्रोचेज ज़ीरो मैंने ई की पावर में लिख लिया एफ एक्स माइनस वन साइन टी प्लस कॉस टी माइनस वन टू द पावर जो एक्स था वो वन वन बाई टी हो गया. ये लिमिट बन गई टी की फॉर्म में. तो पहले ही मैंने सीधा रिजल्ट लगा लिया. तो यहाँ से इसके बाद देखते हैं क्या बनेगा. मैं टी को अंदर लेके जा रहा हूँ साइन टी बाई टी बन रहा है एक टर्म. एक टर्म बन रही है माइनस कॉमन लेके वन माइनस कॉस टी बाई टी. अब ये इसको वर्कआउट करना है हमें. ये वन को अप्रोच कर रहा है इट द पार अप्रोचिंग वन हो गया ये. इसको आप चेक करेंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे टी अप्रोचेज जीरो पे तो ये ज़ीरो आ रही है. देख लो आंसर ये आ गया. ये कैसे ज़ीरो आ रही है इसको अलग से देख लेते हैं. बेशक ये लिमिटिंग वैल्यू कैसे ज़ीरो आ रही है टी अप्रोचेज ज़ीरो पे आप एल एच रूल लगा के देख लो आप. मैं एकदम उसको नीचे करता हूँ जगह नहीं है. ये कैसे ज़ीरो आई है ये देखना है मेरे को. तो कई तरीके से देख सकते हैं इसको. एक्सपेंशन से देख लो बेशक देखना है. ये आपने एल एच रूल से देख लिया वन माइनस पॉजिटिव है टी की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है टी अप्रोचेज ज़ीरो पे. तो एल एच रूल लगाया तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन टी बिकॉज वन का डेरिवेटिव ज़ीरो और कॉस टी का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन टी तो माइनस माइनस प्लस बाय वन. टी अप्रोचेज ज़ीरो पे ये ज़ीरो हो गया. ये एक्सपेंशन लगा लिया आपने वन माइनस कॉस टी का एक्सपेंशन वन माइनस टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल गोज ऑन डिवाइडेड बाई टी. वन से वन कैंसिल आ रहा टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल गोज ऑन मोर टर्म्स डिवाइड बाई टी. टी कैंसिल करेंगे ज़ीरो प्लग इन करेंगे तो ज़ीरो आ गया. तो कैसे भी देखा आपने ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो आ गई है ये लिमिटिंग वैल्यू वन है तो आंसर हो गया ई टू द पावर वन. तो ये मतलब मान रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए था आपको. ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है जो आपका मॉड्यूल में है सेम क्वेश्चन है. तो हम कैसे वर्कआउट करते हैं. पहले स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे कि जो साइन सिक्स एक्स स्क्वायर है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं. सिक्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सिक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लिमिटिंग वैल्यू वन हो गई. इसको मैं साइड में रहने दूंगा इसको बीच में नहीं लेके आऊँगा. बाकी जो मुझे वर्कआउट करना है एल एन कॉस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इस पर मैं एल एच रूल लगाऊंगा. ये ज़ीरो बाई ज़ीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है इसे मैंने एल एच रूल लगा लिया. ये अप्रोचिंग वन को मैंने साइड में ही छोड़ दिया. अप्रोचिंग वन है लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो. एल हॉस्पिटल रूल लगाया डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 12x डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एल एन वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल. एल एन का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव लेना है तो वन बाय कॉस आ गया. फिर मेरे को कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर इसका डेरिवेटिव जो अंदर एंगल है इसका डेरिवेटिव 4x माइनस वन. ये चेन रूल लगाया हमने डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिया है. तो एक बार कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये क्या बना है. देखो इतना मुश्किल नहीं है. ये न्यूमरेटर में 12x है और ये भी ये तो ये इसको देखो ये बन रहा है माइनस टेन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये 4x माइनस वन है ये तो माइनस वन को अप्रोच करेगा. एज एक्स अप्रोच ज़ीरो ये माइनस वन को अप्रोच कर रहा है. इसको ऐसे लिख लिया और फिर हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ेंगे तो ये टेन है मैंने इसको डिवाइड किया टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से. ये लिमिटिंग वैल्यू वन बन गई राइट. तो एक माइनस बच गया न्यूमरेटर में माइनस ट्वेल्व एक्स है डिनोमिनेटर में मेरे पास ये माइनस वन एक टर्म
और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, उसमें से x कॉमन लेके 2x माइनस 1 लिखा, ये x कैंसिल हो गया। तो अब क्वेश्चन फिनिश हो गया। आप देखो कैसे माइनस को तुम ऊपर ले गए थे, नहीं माइनस माइनस हमने 1 हो गया था, ये एक मिनट, एक माइनस हमने मिस कर दिया कहीं, एक माइनस यहाँ पे आया था, एक माइनस किया, दो माइनस नीचे है, दो माइनस है तो प्लस हो गया, एक माइनस, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो है 12 है, यहाँ पे एक्स अप्रोचेज 0 पे ये माइनस 1 है, तो माइनस 12 हो गया। तो थोड़ा जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है इस टॉपिक की, उसको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्वेश्चन ये, क्योंकि एल एस टू लगाया है, फिर हमने इसको फिर बाद में टेम्पलेट भी लगाई है, मतलब फॉर्मूला भी लगाया, पहले फॉर्मूला लगा के इसको अलग कर लिया साइन को, फिर मैंने एल एच टू लगाया, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 12x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमेटर में चेन रूल लगाया, एल एन का डेरिवेटिव 1/cos हो गया, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर जो एंगल था 2x स्क्वायर माइनस एक्स उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो ये tan बन गया साइन बाय cos। अब tan को मैनेज करने के लिए मैंने टेम्पलेट बनाई है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये मेरा 1 को अप्रोच कर रहा है, ये माइनस माइनस दो माइनस थे, ये मिलकर 1 हो गए, और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स में से x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, और फिर x को 0 प्लग इन कर लिया, तो माइनस 12 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिग्नम पे बेस्ड है वाला क्वेश्चन। तो थोड़ा आपने आइडिया ग्राफ का भी लिया हुआ है, हमने डिफरेंशियल कैलकुलस 2 में पढ़ा है। जो मेरा फंक्शन इस तरह से है कि पहला फंक्शन मेरा x goes into gx which is a क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, एंड दिस गोज इंटू सिग्नम फंक्शन, और फाइनली हमें जब सिग्नम फंक्शन से जो आउटपुट आएगा, हमें डिस्कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटीज। तो मेन इसमें इस फंक्शन को कैसे एनालाइज करते हो, जो पहला फंक्शन है x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जो जी एक्स फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आइडिया ग्राफ से आइडिया ले लिया, बेटर ईजी पड़ता है, 0 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, 2 और 3, इन तीन पॉइंट से पास कर रहा है, ग्राफ थोड़ा बनाना आता है आपको, बिल्कुल ये ऐसे है, राइट। सिग्नल ये तीन पॉइंट पे जीरो होता है, उसके बाद और यू नो अगर ग्रेटर देन जीरो करेंगे, कहाँ अबव एक्सेस है, कहाँ बिलो एक्सेस है, यहाँ प्लस हो गया मेथड ऑफ इंटरवल से, यहाँ माइनस है, नेगेटिव है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, कि ये मैंने ग्रेटर देन जीरो मतलब कहाँ ग्राफ अबव एक्सेस है देखने की कोशिश करिए। तो ग्रेटर देन जीरो का इसका जो सोल्यूशन सेट आता है कि विवेक और मेथड से, राइट मोस्ट में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसका रफ आइडिया बनाना है, ग्राफ एस का फ्लो ऐसे है इसका क्यूबिक पॉलीनोमियल का। अब ये मैं सिग्नम फंक्शन में पास कर रहा हूँ, सिग्नम फंक्शन का सीधा हिसाब किताब है, अगर वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो उसको 1 करता है, वैल्यू नेगेटिव मिलती है माइनस 1 करता है, वैल्यू 0 मिलती है 0 रहने देता है, तो इन पे वैल्यू 0 रहने दिया उसने, जो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है उसको 1 कर देगा, इसको भी 1 कर देगा, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको उठा के माइनस 1 कर देगा। तो एकदम क्लियरली समझ आ गया कहाँ पर डिस्कॉन्टिन्यूटी आ रही है, 0 पर डिस्कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, 1 पर डिस्कॉन्टिन्यूस है, 2 पर डिस्कॉन्टिन्यूस है, इन तीन जगह डिस्कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आइडिया भी लग रहा था जब क्यूबिक पॉलीनोमियल आ रहा है, सिग्नम फंक्शन को फर्क पड़ता है जहाँ साइन चेंज हो रहा है इस एक्सप्रेशन का, जहाँ साइन चेंज होगा वहीं पर डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी, क्योंकि सिग्नम पॉजिटिव को 1 करता है, नेगेटिव को माइनस 1 करता है, तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, सिग्नम फंक्शन उसको तोड़ देगा। तो ग्राफ बनाने के बजाय बगैर उसके भी देख सकते थे कहाँ पे ये साइन चेंज कर रहा है, ये 0, 2 और 3 पे साइन चेंज कर रहा है, या रूट से वहाँ साइन चेंज कर रहा है, तो ये तीन पॉइंट आ गया 0, 1, 2, 0, 2, 3 सॉरी, तो मेरा आंसर हो गया एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन 9th है, मैंने थोड़ा ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी कितना लगा रखा मैंने, तो ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एल एच यू से करना है और दो बार एल एच यू लगाना पड़ेगा, इंडिटर्मिनेट फॉर्म है अगर टाइप 0/0, तो अब लिमिट एच अप्रोच 0, मैंने एल एच यू लगाया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 2f'x, फिर माइनस इस पर इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, चेन रूल लगाएंगे तो 2 आगे आ जाएगा, माइनस 6 टाइम्स f'(2x), ऐसे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 टाइम्स f'(4x), ये अभी भी 0/0 डिटरमिनेंट फॉर्म है। फिर मैंने इसको एल एच यू लगाया, डेरिवेटिव 2 हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2, न्यूमरेटर में फिर आएगा 2f"(x) हुआ, सेकंड डेरिवेटिव हो गया, फिर यहाँ पे इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा लेकिन ये 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 12f"(2x), और सेम यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, प्लस 16f"(4x) हो गया। नाउ लिमिट x अप्रोचेस 0 है, इस बार मैं जब 0 प्लग इन करूँगा इसके अंदर, तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा, लिमिट वर्कआउट हो गई है,
सब जगह 2 × f" 0 वो कॉमन ले सकते हैं f" 0, हर जगह f" 0 आएगा जब x को 0 प्लग इन करेंगे, कॉमन लेके 2 − 12 + 16 आता है डिवाइड बाई 2। तो देख सकते हैं f" 0 क्या है, गिवन है 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, तो आंसर 12 आ गया, राइट 12 आंसर है। तो 2 बार LHO लगाना था इसके अंदर, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना था कि चेन रूल लगाते टाइम जो कोफिशियंट्स हैं वो सही तरह से बिल्ड कर रहे हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन आई वुड से देखने में कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन है नहीं कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन है ये फंक्शन गिवन है मुझे, मुझे −2 और 2 में इसके कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी की बात करनी है, −2 और 2 इंटरवल में कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी की बात करनी है। तो मैं इस फंक्शन को पहले ऐसे लिख दिया |x+2|, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मॉड ले लिया। तो अब दो अलग तरह से एनालाइज करते हैं, ये तो अपने आप में मॉड फंक्शन है, इस तरह का ग्राफ होता है इसका, −2 इसका कॉर्नर है ऐसे, देखो ये आ रहा है, ये ऐसा ग्राफ है, थ्रू आउट कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, राइट कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये इंटीजर पर डिसकॉन्टीन्यूस होता है, ग्राफ अगर बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, ये ग्राफ आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी हमने, इस पर अगर मॉड भी ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पे, पढ़ा है हमने क्लास में, इस मॉड लेने का मतलब है कि जो नीचे वाला पार्ट है फ्लिप होकर ऊपर चला जाएगा, आई होप आपने रिवाइज किया हुआ है। तो ये दिख रहा है साफ कि जितने भी इंटीजर्स हैं सब पे डिसकॉन्टीन्यूस है, ये सब पे डिसकॉन्टीन्यूस है, तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ये डिसकॉन्टीन्यूस है, तो उनका प्रोडक्ट भी डिसकॉन्टीन्यूस होगा। लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस है, जितने भी इंटीजर्स हैं हमें लेना है हमें, तो अच्छा पॉइंट ही निकालना है कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस तो कहीं नहीं है इन सब पे, ये रॉन्ग ये रॉन्ग, इन सब पे, सब पे डिसकॉन्टीन्यूस है, ये चॉइस करेक्ट होगी डिसकॉन्टीन्यूस है 0, क्योंकि सारे इंटीजर पे डिसकॉन्टीन्यूस है, −2 − 1 − 0 − 1 − 2 सब पे डिसकॉन्टीन्यूस है, तो ये चॉइस करेक्ट बन रही है कि 0 पे डिसकॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस कहीं पर भी नहीं है बाकी जगह। तो इस तरह से एनालाइज करना था क्वेश्चन को, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें दो लिमिट्स निकालनी है, लिखा है जो एक एफ फंक्शन है इसकी लिमिट वर्कआउट करेंगे तो वो फर्स्ट टर्म बनेगी जी पी की, अगर एफ ये लिमिट वर्कआउट करते हैं तो ये जी पी की फर्स्ट टर्म बनेगी। बी मान लिया, बी ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 tan x − sin x / sin³x, इसको वर्कआउट करना है तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो जी पी की फर्स्ट टर्म है, इनफाइनाइट जी पी की फर्स्ट टर्म है, ऐसे मुझे वर्कआउट करना है वो कॉमन रेशियो बनेगी। दूसरी लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 − √x / cos 1x² तो दो लिमिट वर्कआउट करनी है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा इस क्वेश्चन में, मैं पहले इसको वर्कआउट करता हूँ तो एक्सपेंशन से वर्कआउट करूँगा, क्योंकि हर एक्सप्रेशन का मैं एक्सपेंशन लिख सकता हूँ, टेन एक्स का एक्सपेंशन x + x³/3 और टर्म मत लिखो दो बहुत हैं, इसका मैं sin x का एक्सपेंशन लिख रहा हूँ x − x³/3 ( डिवाइडेड बाई, इसको मैंने क्या करा sin³x को ऐसे लिख लिया sin³x / x³ और x³ यहाँ आ रहा है। तो अब ये देखो मेरी लिमिट वर्कआउट हो जाएगी इससे, कैसे मैंने x से x कैंसिल किया, इस x से x से −x कैंसिल किया, x³ कॉमन लेके बच जाएगा 1/3 + 1/6, x³ कॉमन ले लिया, बाकी और टर्म में हमने कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें नीचे मेरे पास x³ है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो अब x³ कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, x³ करा अपने इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, मिनिमम पावर, जो मिनिमम पावर टर्म है उनके कोफिशियंट्स के रेशियो आंसर होता है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 1/3 + 1/6, तो फर्स्ट टर्म आ गई हाफ आ गई, फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी हाफ आ गई, राइट, यहाँ से x³ कॉमन लेके ऐसे कैंसिल करा है तो ये बच जाएगा मेरा, ये लिमिटिंग वैल्यू ये आ रही है। अब ये काम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हम LHO लगाएंगे, इसमें LHO लगाते हैं, जैसे यहाँ यहाँ एक्सपेंशन लगाया था, यहाँ LHO लगाएंगे, उसके लिए मैंने 0/0 डिटरमिनेंट फॉर्म है तो मैंने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x है, ये आ गया। फिर मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर का 2 cos 1x · cos 1x −1/√1 − x², ये लेने के बाद देखा मैंने, अब मेरी लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 था, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 में लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 में अब यहाँ देखो 1 आप प्लग इन कर दोगे इसके अंदर, राइट, तो ये तो −1/2 हो गया, मैं अलग −1/4 हो गया, ये 2 भी था उसको मैंने अलग कर लिया, बाकी
मेरा जो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म थी ऊपर चली गई न्यूमरेटर में, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ भी था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स एक्स। अभी भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि कॉस इनवर्स वन होता है जीरो, जीरो बाय जीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। लिमिट एक्स अप्रोचेज वन पे फिर एल एच लगाने एक बार, इसका डेरिवेटिव यू नो वन बाय टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन बाई फोर पहले से था। तो फिर सिंप्लीफाई करना रह गया इसमें बस। अब तो मैंने ये इससे ये टर्म कैंसिल कर दी है, ये टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, खाली एक्स बच गया, एक्स अप्रोचेज वन है। जब वन प्लग इन कर देंगे तो आंसर वन बाई फोर आ गया। अभी क्या है मेरा बी आया कॉमन रेशो आई है, इनफाइनाइट टर्म निकालना है जी पी का, इन सब निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का। फॉर्मूला ये है बी ओवर वन माइनस आर, बी हाफ निकाला है और आर मैंने वन बाई फोर निकाली है, तो फॉर्मूले में प्लग इन करके आ गया हाफ डिवाइड बाई थ्री बाई फोर विच कम्स आउट टू बी टू बाई थ्री। तो काम था इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, हमने बी निकाला आर निकाला फिर सम निकाला हमने, टू बाई थ्री आंसर है। तो ये लिमिट वर्कआउट करने में अगर मुश्किल आ रही है तो आपको थोड़ा रिविजन चाहिए। ये मैंने कहा वो ईजी है, लेकिन जिस तरह से पढ़ा था हमने क्लास में सब चीज़ें पढ़ी थी, कैसे एक्सपेंशन लगा के वर्कआउट करना है, कैसे एल एच टू लगाना है, दो बार एल एच टू लगा था इसमें। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको बिफोर वी वर्कआउट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। इसमें पहले यही कर लेते हैं कि एक्स को वन बाई टी डाल दिया, डालने से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। ये हो गया लिमिट टी अप्रोचेज ज़ीरो वन बाय टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वन बाय टी स्क्वायर आ गया, साइन एल एन रूट ऑफ कॉस पाई टी, टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अभी काम करने से पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन था तो ये देखो साइन की टेम्पलेट बना ली मैंने, साइन का फॉर्मूला बना लिया, एल एन रूट ऑफ कॉस पाई टी से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। और ये मेरी टेम्पलेट वन बन गई, ये मेरा वन बन गया, देखो इसको मैंने हटा दिया, वन बन गया साइड में कर दिया, तो मेरा ये इसके बाद ये बच गया लिमिट टी अप्रोचेज ज़ीरो, यहाँ पे बच रहा है। और ये स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट बाहर निकाल लिया मैंने, एल एन से निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी है एल एन कॉस पाई टी रह गया डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो पहले इतना हल्का कर लिया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमें लिमिट वर्कआउट करूँगा इसके में। इसकी लिमिट वर्कआउट करने के लिए फिर मैं एल एच टू लगा रहा हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर टू टी हो गया, इसका डेरिवेटिव है वन बाय कॉस पाई टी का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई टी दैट इज पाई, ये आ रहा है, ये हाफ टू पहले से चल रहा था, जो स्क्वायर रूट से हमने टू बाहर निकाला था, ये स्क्वायर रूट को बाहर निकाला था। अब इसके बाद मुझे वन बाय फोर हो गया, और क्या बचा यहाँ पे मेरा, ये माइनस टेन पाई टी हो गया, पाई ऑलरेडी है नीचे टी है, तो मैंने पाई से नीचे टी है, टी है तो मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये मेरा देखो वन हो गया, तो क्या बच गया माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, ये टेम्परेट यूज़ करके वन हो गया, बच गया माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, लिमिटिंग वैल्यू आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर। राइट, तो मुश्किल लग रहा है तो एक बार उसको रिवाइंड करके दोबारा देखो वीडियो को, तो मैं डिटेल में पढ़ाने की सेंस नहीं है, मैं सब पढ़ा हुआ है, अब वो करने वाली बात है। तो मैंने पहले सिंप्लीफाई किया इस एक्सप्रेशन को, साइन को हटा ही दिया, साइन की टेम्परेट बन गई, साइन टी बाई टी वन होता है या साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, तो ये साइन के अंदर ये फंक्शन है, अगर सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में बनाते हैं और ये जीरो अप्रोच करता है जो कर रहा है, ये वन हो जाता है, हटा दिया, फिर ये सिंपल हो गया, इसमें से मैंने स्क्वायर रूट को भी बाहर ले गया, हाफ बाहर आ गया, तो ये उसके बाद मैंने एल एच यू लगाया, एक ही बार एल एच यू लगाने से हो गया, लेकिन लास्ट में हमने टेम्परेट भी यूज़ किया टेन की। दिस इज़ अ क्वेश्चन वेयर वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एक्सपेंशन से यूज़ करते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ये एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में देखो ये रूट ऑफ ए प्लस एक्स है, इसमें मैं एक्स को ज़ीरो डालता हूँ, देखो आप इसमें एक्स को ज़ीरो डालेंगे तो वन बाय रूट ए है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में इसको मैं पहले साइड में कर दूंगा, यहाँ पे मेरा ये बी एक्स है माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स को लिखा मैंने एक्स माइनस एक्सपेंशन यूज़ किया एक्स साइन क्यूब एक्स बाय सॉरी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल गोज ऑन, तो मैंने टेम साइन एक्स की एक्सपेंशन यूज़ कर लिया यहाँ पे। राइट, अब गिवन है कि इसका आंसर फाइनाइट, लिमिट फाइनाइट है, आंसर वन है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो वन बाय रूट ए को अलग कर लिया, यहाँ एक्स क्यूब है
नीचे मैंने एक्स की टम्बाइन करी, बी माइनस वन इंटू एक्स है प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल है, गोज ऑन। अब देखो ये लिमिट अगर फाइनाइट होनी है तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, नहीं तो आप देखो एक्स कॉमन लेके कैंसिल, ये आंसर सारा जीरो आ रहा है। आंसर वन आने के लिए, अगर आंसर वन आना है तो नेसेसरी है, नहीं तो आप देखो ये अगर मैं ये एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स चला गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं एक्स अप्रोचेज ज़ीरो पे अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो अगर ये नॉन ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आ रहा है, राइट। अब ऑब्जर्व कर लेना खुद से। तो ये ज़रूरी होता है इसमें कि मिनिमम पावर टर्म आंसर तभी फाइनाइट आता है, तभी नॉन ज़ीरो फाइनाइट आएगा जब लिमिट ये सेम होनी चाहिए। यहाँ एक्स क्यूब की टर्म मिनिमम पावर टर्म एक्स क्यूब है तो यहाँ भी एक्स क्यूब होना चाहिए, मतलब ये ज़ीरो होना चाहिए। तो बी इक्वल टू वन आ गया। बी इक्वल टू वन आने के बाद एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू आ रही है सिक्स बाय रूट ए आ रही है, जो कि आंसर वन के वन है। तो रूट ए इक्वल टू सिक्स हो गया, ए थर्टी सिक्स हो गया, ए थर्टी सिक्स बी वन, ये आंसर आ गया। दिस इज मोर देन वन करेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये बहुत टिपिकल एक्सप्रेशन है, कई क्विज में आ चुका है, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी हमें क्वांटिटी भी चेक करनी पड़ेगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। थोड़ा जिसने पहली बार कर रहा है तो मुश्किल लगता है, लेकिन टिपिकल स्टेप होते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्या आ रहा है, लिमिट एच अप्रोच इज ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच फॉर्मूला है। जहाँ भी एच है उसकी जगह, जहाँ भी एक्स है उसकी जगह माइनस एच डाल दो, माइनस एच डाल दिया एक्स की जगह, यहाँ माइनस एच आया, ये थ्री ई टू द पावर माइनस वन बाय एच है प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाय एच है, ये है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या कैसे काम कर रहा है ये, कि ये जो होता है वन बाय एच, ये एच अप्रोच ज़ीरो पर ये इन्फिनिटी होता है, ये माइनस लग के माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह से दोबारा मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ कि e की पावर में माइनस वन बाय एच है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो है, वन बाय ज़ीरो लेते हैं तो इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी है और e की पावर में माइनस इन्फिनिटी आने से वो ज़ीरो हो जाता है। अब ज़ीरो अप्रोच करते हैं, मतलब ये है, वही अगर e टू द पावर वन बाय एच होता, ये अभी आएगा अगले स्टेप में, ये ज़ीरो है, ये वन बाय ज़ीरो इन्फिनिटी हो गया, e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये याद रखना है आपने, एक माइनस इन्फिनिटी होता है, एक इन्फिनिटी होता है। तो ये इस बार माइनस लगा हुआ है, ये मेरा इस बार ये ज़ीरो है, तो एच यहाँ पे है, ये ज़ीरो अप्रोच कर रहा है, ये फोर है, यहाँ पे ये टू है, माइनस ये ज़ीरो अप्रोच कर रहा है। तो ये देखो आप फोर बाय टू, ये ज़ीरो ज़ीरो आंसर आ गया, ज़ीरो आंसर है, बिकॉज बाहर एच था उसकी वजह से ज़ीरो आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए इसी में चेंज कर लेते हैं इसी स्टेप में, क्योंकि माइनस एच को एच करना है खाली मुझे राइट के लिए। तो ये एच हो गया, ये थ्री की पावर थ्री ई टू द पावर वन बाय एच है प्लस फोर डिवाइड बाय टू माइनस ई टू द पावर वन बाय एच। तो यहाँ पे इस बार ये इन्फिनिटी बनता है, ये इन्फिनिटी बनता है, ये इन्फिनिटी बनने की वजह से या तो एल एच रूल लगाएंगे या फिर हम हाई ये जो इन्फिनिटी है इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे। इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करने का मतलब है हमने क्या करा कि ये मेरा एच ही रहा, तो ये बन गया थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वन बाय एच, न्यूमरेटर ये आया, यहाँ पे टू डिवाइड बाई ई टू द पावर वन बाय एच माइनस वन, ये बना। अब ये ज़ीरो बन रहा है, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ये मेरा एक्सप्रेशन अप्रोचिंग ज़ीरो इंटू अप्रोचिंग माइनस थ्री बन गया ये। तो जो भी अप्रोचिंग ज़ीरो बाहर लगा हुआ है तो आंसर उससे ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो, ये जो बाहर एच था उसकी वजह से आंसर ज़ीरो आ गया। लेफ्ट लिमिट भी ज़ीरो है, राइट लिमिट भी ज़ीरो है। अब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी का काम करना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम करते हैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला उसका ये है, लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस, लेफ्ट है तो माइनस होगा, एफ ज़ीरो जो कि वैल्यू ज़ीरो गिवन है डिवाइड बाय माइनस एच, ज़ीरो माइनस एच। तो मैंने रिप्लेस किया पहले माइनस एच, फंक्शन में रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स की जगह माइनस एच, थ्री ई टू द पावर माइनस वन बाय एच प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाय एच माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो इस बार देखो आप नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, फीलिंग आपको आनी चाहिए थी, ये इससे कैंसिल हो गया, इस बार जिसने ज़ीरो किया था एच ने वो कैंसिल हो गया इस बार, तो बचा क्या फिर, तो ये बचा, ये हमने पहले ही देख चुके हैं, दोबारा नहीं देखेंगे, ये हमने ज़ीरो था पहले देखा था हमने, ये भी ज़ीरो है, तो आंसर हमारा हट के टू हो गया,
फोर बाई टू हो गया आंसर, टू आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव टू है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आएगा, इसी में चेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको, इसी में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आ रहा है, कैसे, यहाँ पहले राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आएगा, ये प्लस ये प्लस, ये प्लस होने से ये प्लस ये प्लस, ये तो कैंसिल अभी भी हो गए हैं, ये प्लस आने से, ये प्लस आने से, फिर हमने जैसे पहले किया था इस पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे एन एन डी को, तो ये थ्री बचेगा और ये माइनस होंगे, माइनस थ्री आ रहा है, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस थ्री आ रहा है, राइट इक्वल नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस थ्री, पहले वाले एक्सप्रेशन है, देखो यहीं पे जाओ, फर्क क्या हुआ है, ये जो जीरो पार्ट कर रहा था नीचे भी एक एच आ गया से वो कैंसिल हो गया, ये माइनस थ्री रह गया इस बार, ऐसे यहाँ पे ये हमारा टू आ रहा था लेकिन इसने ज़ीरो कर दिया था, ये मेरा टू आ रहा था लेकिन इसने ज़ीरो किया था, लेकिन वो एच हट गया, कैंसिल हो गया डेरिवेटिव में, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू आ गया इस बार, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दो आंसर आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। So this is a question where we have to discuss, we have to find a and b, where function is differentiable at x equal to 1, differentiable x equal to 1 पे, तो मैंने पहले इस function को ऐसे लिख लिया क्योंकि mod की ज़रूरत नहीं है, 1 पे check करना है, मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी है फॉर एक्स बिटवीन माइनस वन एंड वन, यहाँ तो mod था ही नहीं, हाँ अगर x ग्रेटर देन 1 है तो मॉड की जरूरत नहीं, मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, मॉड हटा सकते हैं, माइनस वन बाई एक्स है, एक्स लेस देन माइनस वन लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, लिख सकता हूँ अलग बात है वो वन बाई एक्स हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है कि मुझे वन पे चेक करना है, वन पे कॉन्टिन्यूस करना है, वन पे डिफरेंशिएबल करना है और फिर ए और बी आइडेंटिफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन पे देखता हूँ मैं क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट ने प्लग इन कर दिया वन यहाँ पे, ए माइनस बी आ रही है, राइट हैंड लिमिट वन पे क्या आ रही है, यहाँ प्लग वन प्लग इन कर दिया माइनस वन आ रही है, तो एक ही क्वेश्चन आ गई ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, अभी एक और एक क्वेश्चन चाहिए वो डेरिवेटिव से आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया डेफिनेशन को वन के लेफ्ट पे, डेरिवेटिव टू ए एक्स आ गया और एक्स को मैं फिर वन रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू ए आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है मैंने माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव किया, माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स स्क्वायर हो गया और मुझे वन रिप्लेस करना है, वो वन आ रहा है, तो इक्वेट कर दिया बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, टू ए इक्वल्स टू वन, ए इक्वल्स टू हाफ, ए हाफ आ गया, ए हाफ आ गया, चॉइस मैच कर गई है, ए हाफ यहाँ प्लग इन करूँगा मैं ए हाफ को, तो बी मेरा आ जाएगा थ्री बाई टू, ए हाफ बी थ्री बाई टू, ये चॉइस करेक्ट हो गई, उनका सम टू है, ये चॉइस भी करेक्ट हो गई, राइट, तो ये करना था हमें इस क्वेश्चन के अंदर कि क्वांटिटी इंश्योर करनी थी और डिफरेंशिएबिलिटी इंश्योर करनी थी एक्स इक्वल टू वन के ऊपर, तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं करी होगी लिख के आपने तो आपको मुश्किल आ रही होगी, तो प्रैक्टिस दो तीन बार सॉल्व करो अगर आपको नहीं हुआ था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे है, इसको इस तरह से करते हैं कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, पहले मैंने 0 टू 1 इंटरवल लिया, 0 टू एफ एक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इन, अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा, नहीं अटेम्प्ट किया था, पॉज करके पहले क्वेश्चन की फील लो वीडियो को, फिर देखो सॉल्यूशन इसका, तो 0 टू 1 के अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो 0 हो गया, राइट, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मतलब ये ऐसे वाई की फॉर्म में लिखता हूँ, देखो वाई इक्वल टू, तो ये 0 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे हो गया 0 टू 1 में, अगर मैं 1 टू 2 में जा रहा हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 हो गया, ये देखो ये ग्रेटेस्ट 1 हो गया और ये हो गया रूट ऑफ एक्स माइनस 1, फंक्शन ऐसे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा हूँ तो ये बन रहा है 2 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 2, तो इस तरह से चल रहा है फंक्शन, इसको एक बार ध्यान से देखें किसके पीसीज आ क्या रहे हैं दो इंटीजर के बीच में, पहले फंक्शन आ रहा है वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, किस में एक्स बिटवीन 0 एंड 1 में, तो उसका ग्राफ तो मैंने हल्का सा आइडिया ले लिया, ऐसे ग्राफ होता है उसका, जीरो टू पैराबोला होता है मेरा ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला, ये पता होना चाहिए आपको कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला ये होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट होता है वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स और ये होता है वाई इक्वल टू माइनस रूट ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है बिकॉज वाई पॉजिटिव है, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है तो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, ऐसे, तो मुझे खाली ऊपर वाला पार्ट चाहिए, रूट एक्स बनाना है मैंने, जीरो टू वन में ये ग्राफ बना लिया, इसके बाद देखो जो मुझे 1 टू 2 में जो ग्राफ बनाना है वो है क्या, उसको मैंने ऐसे लिख लिया y माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1, ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है आपने, ये क्या हो रहा है, इसी y इक्वल टू रूट x को ट्रांसफॉर्म करना है, 1 यूनिट राइट 1 यूनिट अप, जब इसी सेक्शन को आप 1 और 2 में क्या ग्राफ आएगा 1 और 2 में, इसी को ही 1 यूनिट राइट 1 यूनिट अप, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, मतलब ग्राफ से नहीं देखना, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने ब्रेक कर दिया पीसेस के अंदर, आप देख सकते हैं कि हर इंटीजर पर कॉन्टिन्यूस आएगा ही, आप यहाँ वन रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट वन है, यहाँ रिप्लेस किया फिर राइट हैंड लिमिट भी वन आ रही है,
तो उस से फिर टू पे देखोगे, टू पे यहाँ रिप्लेस करोगे, टू आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, टू यहाँ रिप्लेस करोगे, टू आ रही है राइट हैंड लिमिट। तो ऐसे हर इंटीजर पे भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे देखा ग्राफ इसका ऐसे ही बन रहा है, उसी एक ही सेक्शन उसकी शिफ्टिंग करते रहेंगे हर तरफ, ऐसे 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 शिफ्ट होता रहेगा। तो ये इस तरह का ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस तो है ही हमेशा, देखो यहाँ पर हर इंटीजर पर कॉन्टिन्यूस है, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो ये हमने आइडेंटिफाई करना था। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करना है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह से आ रहा है, उसी सेक्शन को हम शिफ्ट कर रहे हैं हर दो इंटीजर के बीच में। क्योंकि इसके बाद जब ये इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस टू इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस टू, तो ग्राफ तो वही रूट x का है। दो यूनिट राइट, दो यूनिट अप शिफ्ट करना है, इसी सेक्शन को दो यूनिट राइट, दो यूनिट अप शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, देखो। तो इस तरह का ग्राफ है इसका। ग्राफ से नहीं करना, मैथमेटिकली बता दिया कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चेक करते जाओ, हर जगह सेम आ रही है। तो कॉन्टिन्यूस हर एक्स की वैल्यू के लिए, तो चॉइस इसमें चॉइस बड़ी कन्फ्यूजिंग है इसके अंदर। आप अगर सिंगल चॉइस होता तो हम ये टिक करते, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर, यस। ये तो नहीं कहा कि ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर है, अगर कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स है तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी है, ऑल वैल्यूज के लिए भी है, और ऑल वैल्यूज है माइनस इंटीजर वैल्यूज, ये भी ट्रू है। ये सबसेट है आंसर का, लेकिन ये भी ट्रू है कि पूछा है कि ये करेक्ट है कि कॉन्टिन्यूस है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सक्लूडिंग इंटीजर्स, यस। ये तो नहीं लिखा कि इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूस है, ये तो नहीं कह रहे चॉइस में। उससे पूछा है कि इंटीजर के अलावा सब जगह कॉन्टिन्यूस है, तो हमने ये आंसर इस तरह से करना है, ये आंसर ए बी सी हो गया। अब ये क्वेश्चन है जो कि पहले भी सिमिलर क्वेश्चन आया था, अभी हमने किया सॉल्व ये। इसको मैंने एफ एक्स के दो पार्ट कर लिए, एक तो मैंने कर लिया इसका मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एक है ग्रेटेस्ट, एक है मॉड ऑफ एक्स। थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन इसमें, एक चीज़ देखनी है इसमें आपने। अब ये देखो, अगर आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मॉड है, ये तो पता है हमें इस तरह से चलता है, पहले भी देखा था हमने, मॉड ले लिया तो ये पार्ट ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब अगर आपने चॉइसेस भी चेक करना है कि अगर आप नहीं, अगर आपने देखो चॉइस भी देखना है, कॉन्टिन्यूस जीरो पे मेन है, डिफरेंशियबल देख लेते हैं पहले। तो देखो इसमें ये तो जो मॉड है, तो मॉड अगर हम देखते हैं, मॉड तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, राइट। ये तो तंग करेगा नहीं, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ये है जो तंग कर सकता है इस पर। हम अगर हम चेक पहले जीरो पे चेक करते हैं, देखो उससे जीरो बहुत क्रिटिकल है, लिमिट एच अप्रोच जीरो, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये आ गया मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच, राइट। तो ये मेरा बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच इज माइनस वन मॉड, और ये मेरा है मॉड ऑफ एच। अब एच जीरो अप्रोच कर रहा है तो जीरो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए इसी में उठा के माइनस एच को प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया, दोबारा लिख लो, चलो ये प्लस कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच का मॉड और मॉड ऑफ एच। तो ये इस बार ये भी जीरो हो गया, मॉड ऑफ जीरो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है जीरो होता है, ये भी जीरो, मॉड ऑफ जीरो, और ये भी क्या कहते हैं आपका जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो है, जीरो हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, कॉन्टिन्यूस है जीरो पे। हालांकि लग रहा था कि डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता, नहीं, कॉन्टिन्यूस है जीरो पे, ये चॉइस गलत हो गई। अब डिफरेंशियबिलिटी पूछी है टू पे, डिफरेंशियबिलिटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो टू पे अब मुझे टू पे तो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वैसे ही देख लो ग्राफ से देख लो। ये वाला टू पे क्या हो रहा है कि ये जो मॉड एक्स है टू पे, इस तरह से ग्राफ जाएगा मॉड एक्स का टू पे ऐसे है, टू पे वो डिफरेंशियबल है मॉड, देखो ये डिफरेंशियबल है, और ये डिसकॉन्टिन्यूस है ग्रेटेस्ट की, तो आपने देखा ही था ग्राफ, देखो ये टू पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ये भी देखा हमने ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जो मॉड ग्राफ है वो टू पे डिसकॉन्टिन्यूस है, देखो ये रहा ऐसे जा रहा ग्राफ इसका, टू पे डिसकॉन्टिन्यूस है, एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, दूसरा पार्ट कॉन्टिन्यूस है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, जो मॉड ऑफ एक्स फंक्शन है टू पे, एक्स इक्वल टू टू पे जो मॉड ऑफ एक्स है, राइट, वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मॉड है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। मैं चेक कर सकते हो, आपको लग रहा है तो मतलब आएगी कि फीलिंग आ रही है कि वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन आपको अगर जीरो पे चेंज हो गया था, जीरो पे अलग बात हुई थी, अगर आपको डाउट लग रहा है तो क्विकली हम लिमिट, और हमें इंटरवल माइनस वन से लेके टू तक है,
तो जब भी इंटरवल के राइट से निकाली लेफ्ट लिमिट ही निकाल सकते हैं, एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच, क्योंकि टू के आगे नहीं जा सकते हैं तो लेफ्ट लिमिट ही निकालेंगे खाली टू पे हम, लिमिट एच अप्रोच जीरो क्योंकि इंटरवल के अंदर रहना है हमें, इंटरवल माइनस वन से टू तक रहना है, इसके बाहर नहीं जाना। तो हमेशा जब भी इंटरवल में रहते हैं तो हम सिर्फ लेफ्ट साइड से टू को अप्रोच कर सकते हैं, राइट से नहीं, बिकॉज वी हैव टू स्टे इन द इंटरवल। तो ये लिमिट एच अप्रोच जीरो, ग्रेटेस्ट मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू माइनस एच और मॉड ऑफ टू माइनस एच, एच अप्रोच जीरो पे ये तो टू हो गया, ये आप देखोगे एच अप्रोच जीरो है, टू माइनस एच है, टू से थोड़ी वैल्यू कम है, ये वन हो गई, ये टू आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट टू आ गई। राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ प्लस करूँगा तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये अभी भी टू रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू प्लस एच क्या हो जाएगा, वो टू हो गया। तो इस बार राइट साइड पे ये टू इंटू टू होकर फोर आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट टू और राइट हैंड लिमिट फोर, फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल, डिस्कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या फंक्शन आ रहा है, हाँ नॉन, ये करेक्ट हो गया, नॉन डिफरेंशियबल है टू पे, डिस्कॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशियबल होगा ही, तुम्हारा ए और सी चॉइस करेक्ट हो गई।